आज के इस वीडियो में बताएंगे अगर आपके साथ ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई भी फ्रॉड होता है तो उसके लिए आप कंज्यूमर केस कर सकते हैं। चाहे आप फ्लिपकार्ट से कोई शॉपिंग किए हो या अमेजन से या कोई भी अदर प्लेटफॉर्म से आपने शॉपिंग किया हो, आपको प्रोडक्ट डैमेज मिला या कोई अदर प्रोडक्ट मिला और कंपनी वाले उसे रिटर्न करने को मंजूर नहीं है। चाहे आप ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी दुकान से भी परचेज किए हो तो आपको प्रोडक्ट अगर गलत मिला है और डैमेज प्रोडक्ट मिला है तो उसके लिए आप कंज्यूमर केस करके अपना पूरा रुपये रिफंड ले सकते हैं। आज के इस वीडियो में हमको पूरी प्रक्रिया बताने वाले हैं जिसकी मदद से आप बिना एक रुपये खर्च किए हुए आप अपना सारे रुपए को वापस ले सकते हैं। कंज्यूमर केस का बहुत अलग अलग वेबसाइट चल रही है जहाँ पे आपको 600 से लेकर 7,000-8,000 तक का पेमेंट करने को बोला जाएगा, लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे फ्री में आप कंज्यूमर केस किस तरह करके अपने सारे रुपए को रिफंड ले सकते हैं। चाहे आप ऑनलाइन फ्रॉड हुआ या ऑफलाइन कहीं से भी हुआ है तो आप कंप्लेन कर सकते हैं, या किसी मोबाइल एप्लीकेशन से हुआ है फिर भी कर सकते हो। तो वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश करेंगे अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरह की नॉलेजफुल जानकारी सबसे पहले आपके फ़ोन तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपकी इस वेबसाइट का लिंक दिया जिसका लिंक क्लिक करके आप इस वेबसाइट पर डायरेक्ट आ जाएंगे। अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे कंज्यूमर हेल्पलाइन डॉट जी ओ वी डॉट इन फिर भी आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। अगर आप इसके अलावा कोई अदर वेबसाइट पर जाते हैं तो वहाँ पर आपको चार्ज पे करना होता है, लेकिन इस वेबसाइट पे आपको कोई भी चार्ज पे नहीं करना हो, जो कि आप देख पा रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है। तो चलिए सबसे पहले किसी कंज्यूमर केस करने के लिए आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिलता है। कॉल करके भी आप कंप्लेन करवा सकते हैं, एसएमएस करके आप कॉल रिफंड ले सकते हैं और ऑनलाइन खुद से भी आप कर सकते हैं। तो ऑनलाइन करने के लिए यहाँ पर साइनअप बटन दिया, साइनअप बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके सामने साइनअप फॉर्म आ जाएंगे, अपने फर्स्ट नेम फुल नेम देंगे, जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मेल फीमेल, अपना मोबाइल नंबर देंगे, ईमेल आईडी देंगे और यहाँ पे एक न्यू पासवर्ड रखेंगे इसको लॉगिन करने के लिए और उसी पासवर्ड को यहाँ पे कंफर्म करेंगे। यहाँ पे आपको कैप्चर दिखने को मिलेगा, इस कैप्चर को इस बॉक्स में इंटर करेंगे। ये सारी फॉर्म फिलअप करने के बाद साइनअप पे क्लिक करेंगे और साथ साथ यहाँ पर बताएगा पासवर्ड किस तरह होना चाहिए। पासवर्ड इस तरह होना, कैपिटल भी होना चाहिए, स्मॉल भी होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए और नंबर भी होना चाहिए। ये देख सकते हैं इस तरह एग्जाम्पल बताएगा, इसी तरह को आपको पासवर्ड बनाना होगा। उसके बाद आपको ओटीपी वेरिफिकेशन करना हो तो आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगा। अगर ओटीपी रिसीव नहीं होता रिसेंट ओटीपी क्लिक करके आप ओटीपी ले सकते हैं। चलिए ओटीपी आ चुका, ओटीपी डालेंगे, इस कैप्चर को इस बॉक्स में फिर से इंटर करेंगे, उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए अकाउंट एक्टिवेट हो गया, आप कह रहा है लॉगिन करने के लिए, ओके बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये आपको लॉगिन पेज पर रिडायरेक्ट कर देगा या आप इसी वेबसाइट पर आएंगे, यहाँ से भी यूजर लॉगिन है, यहाँ पे भी क्लिक करके आप डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के लिए अपना ईमेल आईडी देंगे या मोबाइल नंबर देंगे और जो पासवर्ड आपने बनाया तो वो पासवर्ड देंगे, इस कैप्चर को इस बॉक्स में इंटर करेंगे, उसके बाद साइन इन बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको टर्म्स एंड कंडीशन आ जाते हैं किस किन सब्जेक्ट के किन किन टॉपिक का यहाँ पर आप कंप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ मैटर दिए गए, इन्हीं मैटर के लिए आप कंप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आपके सामने कंप्लेन फॉर्म आ जाते हैं, डैशबोर्ड भी है, डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपने कितने केस किया, कितने पेंडिंग है, कितने रिसॉल्व हो गया, वो सारी चीज़ आप यहाँ से देख सकते हैं। कंप्लेन करने के लिए रजिस्टर पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके सामने यहाँ पर टाइप आएगा, टाइप में कोई भी सिलेक्ट करेंगे, ऊपर वाले सिलेक्ट करेंगे, उसका जो भी आपका स्टेट होगा अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, अपना यहाँ पर सिटी जो भी आपका सिटी होगा यहाँ पर सिटी मैं अपनी सिटी सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे आपको कह रहा है कि किस टाइप का, मतलब कि किस टॉपिक किस रिलेटेड ये आपका कंप्लेन है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बैंकिंग रिलेटेड, इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड, किस रिलेटेड है, फूड रिलेटेड, लीगल रिलेटेड, यहाँ पे बहुत सारे रिलेटेड देंगे, पेट्रोल पम्प के रिलेटेड, किसके रिलेटेड आप कंप्लेन करना चाह रहे हैं। अगर इस लिस्ट में आपका टॉपिक है तो सेलेक्ट करिए, नहीं तो आप अदर को सेलेक्ट कर सकते। उसके बाद आप कैटेगरी है तो कैटेगरी में भी आपको अदर सेलेक्ट करना होगा, यहाँ पे कंपनी नेम को भी अदर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कंपनी नेम, जो भी आपका कंपनी नेम है, अगर फ्लिपकार्ट से फ्रॉड हुआ तो फ्लिपकार्ट का नाम देंगे, अगर अमेजोन से हुआ तो अमेजोन, या अदर किसी प्लेटफॉर्म से हुआ उस प्लेटफॉर्म का नाम, या ऑफलाइन हुआ है तो उस शॉप का नाम देंगे। उसके बाद यहाँ पर भी आपको टाइप सेलेक्ट करना हो, इसमें अदर। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है वैल्यू, जो भी आप जिस आपके साथ जो फ्रॉड हुआ उसकी वैल्यू क्या है, 100 से कम है या 100 से लेकर 1,000 के बीच में है, तो यहाँ पे आपको देना हो, जैसे कि मेरा जो केस है वो 2,000 है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इन बिटवीन 1,000 to 10,000 वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप लिखेंगे, तो इसमें भी आप कंपनी का नाम दे सकते हैं, दुकानदार अगर ऑफलाइन है तो दुकानदार का नाम, उनका एड्रेस दे सकते हैं या कंपनी का नाम दे सकते हैं ऑनलाइन।
तो उसके बाद यहाँ पे आपको एक मैसेज लिखना है आपके साथ कैसे फ्रॉड हुआ, कैसे आपने ऑर्डर किया, क्या मिला, क्या रिसीव हुआ, उसके बारे में यहाँ पे आपको डिटेल लिखना होगा। जैसे कि आपने कोई चीज़ ऑनलाइन ऑर्डर किया और वो आपको मिला लेकिन वो प्रोडक्ट डैमेज है, कंपनी वाले रिफंड करने को रेडी नहीं है, तो आपके साथ जिस तरह का फ्रॉड हुआ, जैसे आपके साथ हुआ, वो सारे मैसेज भी आपको टाइप कर देना है। आप यहाँ पे जिस तरह व्हाट्सएप पे टाइप करते हो उस टाइप भी टाइप कर सकते हैं, ऐसा नहीं अंग्रेज़ी में ही होना चाहिए। व्हाट्सएप पे जिस तरह आप हिंदी को अंग्रेज़ी में कन्वर्ट करके लिखते हो उस तरह भी आप यहाँ पे टाइप करके मैसेज लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन शॉट वगैरह है तो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे स्क्रीन शॉट अपलोड करने के लिए तीन ऑप्शन दिए गए हैं, जो कि ओनली JPG में होना चाहिए, PNG में होना चाहिए, डॉक्यूमेंट PDF में होना चाहिए, जिसकी मैक्सिमम साइज़ 5 KB तक होनी चाहिए। तो अगर आपके पास है तो डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिए। तो यहाँ पे चूज वाले पे क्लिक करेंगे, मोबाइल का जो है उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो भी स्क्रीन शॉट जो भी प्रूफ होगा आपके सामने आपके पास वो अपलोड कर देंगे। अगर आपके पास ये तीन से ज़्यादा डॉक्यूमेंट हो तो आप PDF बना के PDF फाइल को अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे दिया गया PDF फाइल अलाउड है तो आप PDF को ही अपलोड कर सकते हैं। मेरे पास बहुत सारे स्क्रीन शॉट थे तो ये तीन में देना संभव नहीं था, इसलिए मैंने PDF को ही बनाकर PDF अपलोड कर दिया। ये सारी डिटेल देने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है वेल डन, यानी कि हमारा जो अप्लीकेशन है वो सबमिट हो गया सक्सेसफुली। हमें एक डॉकेट नंबर भी यानी कि एक कंप्लेन नंबर भी जेनरेट करके दे दिया गया है, साथ साथ ये कंप्लेन नंबर हमारे मोबाइल पे भी भेज दिया गया है। अब इसकी हिस्ट्री भी यहाँ से चेक कर सकते हैं, हिस्ट्री चेक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप इसके स्टेटस देख सकते हैं, नाम, डेट, स्टेटस देख सकते हैं, इन प्रोग्रेस। उसके बाद यहाँ पे व्यू डिटेल पे क्लिक करेंगे, जो डिटेल आपने पीछे फिलअप किया था अप्लाई करते वक्त, वो सारी डिटेल क्या आपने लिखा था, क्या फाइल अपलोड किया था, अभी उसका स्टेटस क्या है, ये भी आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर ये आपका सॉल्यूशन हो जाता है, आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाता है, तो उसके बाद आपको ये केस क्लोज करना होगा। केस क्लोज करने के लिए यहीं पे हिस्ट्री पे आना है और क्लोज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे स्टेटस को सिलेक्ट करेंगे क्लोज, और यहाँ पे रिसॉल्व हुआ या अनरिसॉल्व हुआ वो डालेंगे, और यहाँ पे कुछ भी आप रिमार्क में डाल के सेव चेंज पे क्लिक करेंगे, आपका ये केस है ये क्लोज हो जाएगा। उसके बाद अगर चाहते हैं तो आप इसकी प्रिंट भी ले सकते हैं, प्रिंट लेने के लिए प्रिंट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद मैंने दूसरे अकाउंट को लॉगिन किया जिस पे मैंने कंप्लेन किया था और वो कंप्लेन रिसॉल्व हो गया है, तो उसके लिए यहाँ पे हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे। हिस्ट्री पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारा ये केस क्लोज हो चुका है, जो कि मैंने रिसॉल्व होने के बाद खुद से केस को क्लोज किया था। क्लोज करने के बाद यहाँ पर स्टेटस क्लोज दिखाएगा। उसके बाद एक्शन में व्यू डिटेल पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आप देख सकते हैं पूरे डिटेल और कंपनी की ओर से जो मैसेज मिला वो देख सकते हैं। इसमें मेरा जो रुपया था वो रिफ़ंड कर दिया गया, जो कि आप देख पा रहे हैं, और यहाँ पे रिसॉल्व डेट और यहाँ पे फीडबैक भी दे दिया गया है। इसी तरह आप अपना कंप्लेन को ऑनलाइन रेज कर सकते हैं।